नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अपना बेहद ही ख्याल रख रहे होंगे। आज का वीडियो बड़ा ही खास और बड़ा ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों, क्योंकि यह है क्लास टेंथ के लेसन की समरी और लेसन का नाम है द सर्मन एट बनारस। हाँ दोस्तों, ये कहानी है गौतम बुद्ध की। वो पैदा हुए राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में राजा शुद्धोधन के घर, जो चाहते थे कि उनका बेटा भी उनकी तरह एक बहुत बड़ा राजा बने, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था और सिद्धार्थ शादी और बच्चे के बाद भी अपनी सोच और मानसिकता को नहीं बदल सके और आखिर में बन गए वो एक महान संत, जिन्हें हम गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं। एक और कहानी का भी इसमें जिक्र है, किसा गौतमी नाम की एक स्त्री ने अपने बेटे को खो दिया। वो बहुत रोई कि उसका बेटा संसार में नहीं रहा, तो किसी ने कहा यदि वो चाहें तो गौतम बुद्ध के पास जाएं तो शायद उनका बेटा दोबारा जिंदा हो जाए। जब वो गौतम बुद्ध के पास पहुंची तो गौतम बुद्ध ने उनसे कहा कि ठीक है, तुम एक मुट्ठी सरसों ले आओ, मैं इसे जीवित कर दूं। ऐसे घर से सरसों लाना है जिस घर में कोई मरा ना हो। वो जाती है हर दरवाजे पर, लेकिन ऐसा कोई घर उसे मिलता नहीं है। बाद में उसे अंदाज़ा हो जाता है कि आखिर मृत्यु तो आनी है और एक दिन सबको जाना है, और अगर वो अपने बेटे के दोबारा ज़िंदा होने की कोशिश कर रही है तो एक तरह से इस प्रकृति से वो खिलवाड़ करना चाह रही है। जब वो गौतम बुद्ध के पास लौट कर आती है, बुद्ध उसे ऐसा ही संदेश देते हैं कि आत्मा अजर और अमर है, इस दुनिया में आना और जाना किसी के हाथ में नहीं है, जो आया है उसे जाना है, बस हमें अच्छे से अच्छा करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जाने के बाद दुख हमें याद रखें। और ये संदेश सिर्फ किसा गौतमी नाम की उस स्त्री के लिए नहीं है, ये संदेश पूरे संसार के लिए है कि हम अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करते रहें, लेकिन अगर कोई कमी रह जाए उसका अफसोस ना करें, और जो संसार में आया है उसे एक दिन जाना ज़रूर है। कहते हैं ना, मौत से किसकी रिश्तेदारी है, आज मेरी तो कल तेरी बारी है। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। संजीव गोस्वामी, नमस्कार।